हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण और लोक प्रशासन पर लोकप्रिय नियंत्रण के संबंध में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, जुडिशियल कंट्रोल ओवर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यायिक नियंत्रण विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रशासन पर बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब विधायिका का नियंत्रण और कार्यपालिका का नियंत्रण लोक प्रशासन पर नहीं हो पाता है, तो उस वक्त न्यायपालिका का नियंत्रण प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय सिद्ध होता है, क्योंकि न्यायालय भी जनता के अधिकारों की और स्वतंत्रताओं का रक्षक होता है और न्यायालय के द्वारा किए गए नियंत्रण को कानूनी प्रतिकार कहा जाता है। वास्तव में जब कोई सरकारी अधिकारी अनाचार करता है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करता है, तो कोई भी नागरिक न्यायालयों में जाकर उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है और अपने जो भी कष्ट हैं उसको न्यायालय में प्रस्तुत करके उसका समाधान पा सकता है। लेकिन लोक प्रशासकों की जो स्वेच्छाचारिता है उस पर न्यायालय का जो अंकुश है या नियंत्रण है वो कुछ सीमाओं में ही हो सकता है। सबसे बड़ी शर्त तो ये है कि न्यायालय अपनी इच्छा से प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, यानी सत्ता के दुरुपयोग को रोक नहीं सकते हैं, बल्कि कोई व्यक्ति, कोई समूह या कोई संस्था न्यायालय में आवेदन पत्र देकर जाए तभी न्यायालय उसके आधार पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। यानी सरकारी अधिकारियों को द्वारा अगर किसी कार्य का हनन हुआ है तो न्यायालय के पास इसकी शिकायत या इसका आवेदन जाना चाहिए। न्यायालय कुछ परिस्थितियों में हस्तक्षेप करता है। जैसे पहली परिस्थिति है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करे, यानी लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। इसका मतलब ये है कि प्रशासक अपने अधिकार क्षेत्र या अपनी जो उसकी भौगोलिक सीमा है उससे बाहर जाकर अगर कोई कार्य करता है और इससे किसी नागरिक को हानि पहुंचती है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय में वो प्रमाण प्रस्तुत करता है और ये कार्य अगर प्रशासनिक अधिकारी के क्षेत्र में नहीं होता है तो उस कार्य को वो अवैध घोषित कर सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रशासन के कार्यों की समीक्षा न्यायालय कर सकते हैं और इसलिए इसे न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है। और ये जो सिद्धांत है वो डेमोक्रेटिक देशों में पाया जाता है जहाँ संविधान सर्वोच्च होता है। भारत और अमेरिका इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं जहाँ पर न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायालयों को दिया गया है, क्योंकि संविधान को सर्वोच्च माना जाता है और कोई भी कार्य अगर संविधान के विरुद्ध किया जाता है तो वो कार्य अवैध घोषित कर दिया जाता है। सरकारी अधिकारियों के सभी कार्य संविधान के अनुकूल ही होने चाहिए, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च कानून है वो संविधान ही होता है। दूसरी हस्तक्षेप करने की परिस्थिति होती है विवेक का अनुचित प्रयोग करना, अब्यूज ऑफ डिस्क्रेशन। यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी अपना सत्ता का प्रयोग करता है इसलिए कि वो किसी से बदला ले या अपने किसी विरोधी को हानि पहुंचाए, और अगर वो हानि उठाने वाला व्यक्ति कोर्ट में चला जाता है तो सरकारी अधिकारी के उस आदेश को रद्द किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि प्रशासक अपने विवेक का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, अन्यथा
कोई भी नागरिक कोर्ट में जा सकता है। तीसरी परिस्थिति है विधि संबंधी एरर ऑफ लॉ, विधि संबंधी त्रुटि। जब कोई सरकारी अधिकारी किसी कानून को गलत रूप में समझते हुए नागरिकों पर कोई बंधन लगाते हैं या फिर उनके ऊपर कोई दायित्व डालते हैं जो कानूनी दृष्टि से सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय सरकारी अधिकारियों के कार्य में हस्तक्षेप करके उनसे ऐसी गलतियां दूर करने के लिए कह सकते हैं और नागरिक के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण जो परिस्थिति है वो यह है कि तथ्यों का पता लगाने में त्रुटि, एरर इन द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने किसी प्रशासनिक कार्य में को अच्छी तरह से किए बिना, तथ्यों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए बिना किसी नागरिक को हानि पहुंचाने वाला कोई आदेश दे देता है, तो नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट की सहायता ले सकता है। पांचवा जो तथ्य है, हस्तक्षेप किए जाने वाली परिस्थिति है, वो है प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, एरर ऑफ प्रोसीजर। अगर सरकारी अधिकारी शासन करते हुए समुचित प्रक्रिया के अनुसार अपना कार्य नहीं करते हैं तो प्रभावित व्यक्ति को सरकारी अधिकारी के विरुद्ध कोर्ट में जाने का अधिकार है और न्यायालय ये देखते हैं कि कार्य समुचित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है या नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण रखा जाता है। न्यायिक नियंत्रण या न्यायिक समीक्षा की कुछ रीतियां हैं। अगर हम भारत का उदाहरण लें तो भारत में भारतीय संविधान की धारा 32(2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वो नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आवश्यक निर्देश आदेश दे या कोई लेख निकाल सकें। और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वे नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए आदेश या निर्देश या कोई लेख निकाल सकें। बहुत प्रसिद्ध कुछ लेख हैं, हम भारत का ही उदाहरण लेंगे, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण से तात्पर्य है कि कोई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी अधिकारी को आज्ञा दे सकती है कि वे किसी कैदी को कानून के विरुद्ध जेल में नहीं रखा जाए या उसको एक निश्चित समय के भीतर 24 घंटे के भीतर समीपस्थ न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और इसका सीधा सा उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति गैरकानूनी रूप से बंदी नहीं बनाया जाए। दूसरा जो रिट या याचिका है वो है परमादेश के लिए लगाने वाली, जो परमादेश जो लेख जारी कर सकता है न्यायालय। परमादेश लेख के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक जो निकाय है सरकार के द्वारा चलाने वाले, सार्वजनिक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कोई निगम, कोई इंस्टीट्यूशन, उनको ये आदेश दिए जा सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य का पालन कानून के अनुसार करें। तो इस तरह से न्यायालय इन इंस्टीट्यूशंस के विरुद्ध परमादेश लेख जारी कर सकते हैं और सरकारी अधिकारी को किसी तरह से कार्य करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तीसरा लेख जारी किया जाता है द रिट ऑफ प्रोहिबिशन, प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के द्वारा छोटी अदालतों को जारी करके उनको ये कहा जाता है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य न करें, अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही कार्य करें। तो ये जो लेख है वो अधीनस्थ न्यायालय को जारी किए जाते हैं और ऐसे विवादपूर्ण विषयों पर विचार करने से उनको रोका जाता है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
अगला लेख है जो न्यायालय जारी कर सकते हैं वो है द रिट ऑफ सर्टिररी उत्प्रेक्षण लेख। उत्प्रेक्षण लेख जो होता है वो भी बड़े न्यायालय के द्वारा छोटे न्यायालयों को जारी किया जाता है और इसका उद्देश्य ये होता है कि छोटे न्यायालय के जो भी रिकॉर्ड हैं उनको जांच पड़ताल के लिए न्यायालय उच्च न्यायालय अपने पास में मंगवा सकता है, ये देखने के लिए कि उस अधीन न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर तो कार्य नहीं किया है। और ये जो लेख होता है ये छोटी अदालतों के लिए होता है और इसके आधार पे छोटी अदालतों का जो निर्णय है वो रोका जा सकता है। और ये लेख परमादेश और प्रतिषेध दोनों लेखों के गुणों का मिश्रण होता है, क्योंकि इनके अनुसार कुछ करने के लिए और कुछ न करने के लिए आज्ञाएं प्रसारित की जाती हैं। अधिकार प्रच्छा द रिट ऑफ को वारंटो, अधिकार प्रच्छा से तात्पर्य है कि इस लेख के द्वारा कोई व्यक्ति यदि गैरकानूनी रूप से अपने पद या अपने अधिकार का प्रयोग करता है यानी दुरुपयोग करता है तो न्यायालय उसे ऐसा करने से रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पांच याचिकाएं हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रच्छा, ये न्यायालय जारी करते हैं और इनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नागरिक अधिकारों की रक्षा होती है, लोकतंत्र की रक्षा होती है और प्रशासन पर नियंत्रण लगाया जाता है। लेकिन प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण की भी अपनी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करते हैं, फिर भी न्यायिक नियंत्रण अगर बहुत अत्यधिक बार बार से किया जा रहा है तो इससे प्रशासन की गति, विकास की गति धीमी हो सकती है। और इसके अलावा न्यायिक नियंत्रण की जो प्रक्रिया है वो बहुत खर्चीली होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति न्यायिक कार्यवाही की ओर देखता है या न्यायिक कार्यवाही के लिए आवेदन करता है तो उसको वो खर्चा उठाना पड़ता है, क्योंकि न्यायालय स्वयं कार्यवाही नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से न्यायिक नियंत्रण एक तरह से महंगा भी होता है और साथ में इसमें काफ़ी समय भी नागरिकों का लग जाता है। तो इस और ये कानूनी प्रक्रिया सरल नहीं होती है, तो इस प्रकार का न्याय प्राप्त करने में कुछ देरी भी हो सकती है और न्याय जो न्याय प्राप्त करने वाला व्यक्ति या संस्था है उसको खर्च भी काफ़ी करना पड़ता है। हालांकि कई देशों में न्यायिक समीक्षा के दोषों को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों की जो स्वेच्छाचारिता है उसको और उनके अवैध कार्यों को रोकने के लिए नागरिक हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक कानून बनाए हैं, प्रशासनिक न्यायालय भी बनाए हैं, लेकिन भारत जैसे प्रजातांत्रिक राज्य में अभी जुडिशियल कंट्रोल जो है वो अपने संवैधानिक रूप में ही चल रहा है। यहाँ पर प्रशासनिक न्यायालयों की अलग से कोई स्थापना नहीं की गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे नियंत्रणों के बावजूद भी प्रशासन को अपना उत्तरदायित्व समझना होगा। और प्रशासन अगर लोकतांत्रिक उत्तरदायी है और जनता का कल्याण करने के लिए अगर अभिमुख है तो जो न्यायिक, संसदीय और कार्यपालिकीय नियंत्रण हैं उनकी बहुत अधिक आवश्यकता नहीं रहती है। और प्रशासन को अपनी सीमा के अंदर अगर वो कार्य करे तो कोई भी देश निश्चित रूप से अच्छी तरह से तरक्की कर सकता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।